हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराऊंगा संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके में द डे इज सैटरडे एंड आवर सेट नंबर 2020। सेट नंबर 20 आज हम करेंगे। जीत की तैयारी है, और जीत किसके लिए? जीत आरआईएमसी के लिए, आरएमएस के लिए, सैनिक के लिए। आपको पता है आरआईएमसी में स्टैटिक जीके बहुत अच्छी आती है, आरएमएस में भी अच्छी स्टैटिक जीके, और सैनिक स्कूल में पूरी स्टैटिक जीके आती है भाई। 50 मार्क्स का होता है इसमें, 50 मार्क्स इसमें, 50 मार्क्स यहाँ पे, और यहाँ पे 75 मार्क्स इंडिविजुअल कट ऑफ है सब में, वो भी पार करनी आवश्यक है। तो बच्चों, ऐसे में हमारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डे हम सीरीज लेके आते हैं, मैथ्स की सीरीज आती है, इंग्लिश की सीरीज आती है, स्टैटिक जीके, साइंस, ये सारी सब्जेक्ट हम संकल्प सीरीज में कवर करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है उसको तुरंत आप देख लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। सारी वीडियो आप एक साथ, सारी क्लासेस आप एक साथ नहीं ले पाएंगे, और एग्जाम सर पे आ जाएगा। एग्जाम के 4 महीने भी नहीं बचे, अब 4 से 5 महीने आपके एग्जाम के बचे हैं। तो ऐसे में जनवरी में एग्जाम है भाई, मैं 5 मंथ भी नहीं कह सकता अब तो इनको। तो ऐसे में एक डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन आपको करनी होगी, और उसके लिए आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा। 10 मिनट्स की हमारी वीडियो रहती है, 10 मिनट्स की। तो 10 मिनट्स में इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और स्टैटिक जीके में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आपने संकल्प सीरीज, महायज्ञ सीरीज, हमारी जो आती हैं सारी सीरीज आपने फॉलो की, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे? लाइव क्लास आरआईएमसी, आरएमएस, जीएनवीएसटी, यूपी सैनिक या सैनिक, इनमें किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की अगर लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी है, तो इस नंबर पर कॉल करिए, इस नंबर पर कॉल करिए, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्लियर? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, सारी आपको जानकारी इसमें मिलेगी। जूम वगैरह से हम लाइव क्लास निकलाते, हमारा प्रॉपर एक चैनल है, आपको सिर्फ वहाँ पे ज्वाइन करना होता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि भाई लाइव क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज, एज यू नो, इन द बर्निंग क्वेश्चन द क्वेश्चन जनरली वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बर्निंग क्वेश्चन, एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, तो क्या है? पुष्कर का मेला। करेक्ट आंसर इज पुष्कर फेस्टिवल, और ये कहाँ होता है? अजमेर में। आपको ये भी ध्यान रखना, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पुष्कर मेला राजस्थान में होता है, ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान का, इसको याद रखना, बर्निंग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, टुडेज क्वेश्चन नंबर 1। हम इस सीरियल नंबर पे मत जाना, ये टोटल 10 क्वेश्चन की सीरीज रहती है, और मैं 11 क्वेश्चन में पर वीडियो में कराता हूँ। 11 क्वेश्चन एकदम सटीक 11 क्वेश्चन 11 मिनट। अंकोर वाट टेम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेकर्ड टेम्पल्स इन विच कंट्री, तो एंकोर वाट हिंदू टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है दुनिया का, तो कहाँ पे, किस कंट्री में आपका? कंबोडिया। करेक्ट आंसर इज कंबोडिया। क्लियर? प्नोम पने इज द PHON, स्पेलिंग मुश्किल हो सकती है, PHEN इज द कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, दे आर प्लानिंग टू establish their capital as Nusantara, इसको भी ध्यान रखना आप, Nusantara। इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्किपेलागो, ये क्वेश्चन आ चुका है कि लार्जेस्ट आर्किपेलागो में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्किपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इंडोनेशिया दुनिया का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वाला कंट्री है, ये भी आपको याद रखना। और नेपाल वही जगह है जहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848.86, ये भी आपको याद रखना है। और इसको नेपाल में बोलते हैं गहीर मठ। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखना है। चलिए, नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 31 अक्टूबर। क्यों मनाते हैं? बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल का जन्मदिन, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। सरदार पटेल कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी पीएम या फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर, भारत आजाद हुआ उसके पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, सी इज द राइट आंसर। लाइव बैचेज में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे भाई? देखो, लर्निंग विद एमसीक्यू मिलेगी, 1-2 टर्म, ये है सारी चीजें, ये हमारी लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड क्विज, एग्जाम बुक, ये सारी चीजें हमारी लाइव टेस्ट में मिलती हैं। अगर आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्शन का अचूक, मैं इसको कहूँगा सिलेक्शन का अचूक वे है, अचूक वेपन है सिलेक्शन का। द बुक, इट इज नॉट बुक, इट इज बुक, ओके, द बुक वन डे वंडर्स, तो बुक का नाम क्या? वन डे वंडर्स, तो किसने, किस क्रिकेटर की बुक है? सुनील गावस्कर। क्लियर? सुनील गावस्कर की ये ऑटोबायोग्राफी है,
वन डे वंडर, तो इस तरह की बुक्स आती हैं भाई, किसने सौरभ गांगुली, विराट, सबकी बुक्स होती हैं, इन्होंने तो नहीं लिखी, अभी लिखेंगे, बट इनकी है ये. क्लियर, इज द राइट आंसर. व्हेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाते हैं, मार्च द 4th, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि 4th मार्च 1966 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसलिए हम नेशनल, नॉट सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल कहूँगा मैं, नॉट सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ठीक है, को एस्टेब्लिश किया गया. चलिए, इज द राइट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट किस में है, तो कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल पोर्ट, पंडित दीनदयाल पोर्ट, एक तो ये याद रखना, पंडित दीनदयाल, PDDP, दीनदयाल पोर्ट, तो ये कहाँ पे है, ये आपका गुजरात, करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात. और गुजरात वही स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जिसका समुद्र से, क्योंकि कोस्टल लाइन सबसे लंबी है गुजरात की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होती है गुजरात से होते हुए, फिर आपका मध्य प्रदेश से होते हुए सारे राज्यों से होकर गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड ऐसे करके निकल जाती है, और गुजरात में आपका गरबा और डांडिया, इनको भी आप नहीं बोल सकते, गरबा और डांडिया. गुजरात का जो, गुजरात में जो नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है भाई, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में. क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है. गांधीनगर गुजरात की कैपिटल सिटी है. नेम द आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और रेस. तो कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 17, क्योंकि ये कुछ बेसिक्स आर्टिकल है, दिस इज फंडामेंटल आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना. क्लियर, सी इज द राइट आंसर. मोसाद, मोसाद एक खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, सर्विस है, ठीक है. क्लियर, तो जैसे आपने RAW है या CBI है, तो ऐसे ही मोसाद है. तो मोसाद किस देश की है, ये मोसाद, द करेक्ट आंसर इज इजराइल, करेक्ट आंसर इज इजराइल. क्लियर, इसराइल की है ये खुफिया एजेंसी मोसाद, इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्टिव है. हॉस्टल में ज्वाइन कर सकते हैं, अब गर्ल्स भी हॉस्टल में अलाउड हो गई है, बहुत जोरों से तैयारी हॉस्टल में हमारी चली हुई है. अगर आपने हॉस्टल में ज्वाइन कर लिया तो समझिए फिर प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपके कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम होना ही होना है. लाइव पेपर होते हैं हमारे हॉस्टल में, एक बार आप विजिट करिए, आप खुद पेपर देख के अचंभित रह जाएंगे कि सर इतने इतने सटीक पेपर, इतनी अच्छी प्रिपरेशन होती है, ऐसे में तो सिलेक्शन होना चाहिए. अगर बच्चे और पेरेंट थोड़े भी सीरियस हैं, थोड़ा भी इनका मेंटल लेवल है और हमारे हॉस्टल में ज्वाइन कर लिया तो बच्चा ये मान के रहे सेलेक्ट होना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं. और गर्ल्स भी एलिजिबल हैं भैया, अब गर्ल्स को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस नंबर पर कॉल करिए और एडमिशन लीजिए. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नील नदी, कौन सी है, नील, नाइल रिवर, नाइल रिवर है लॉन्गेस्ट रिवर. भारत की सबसे बड़ी है गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, गंगा, बीच द राइट आंसर. कार्टोग्राफर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द, तो किसके साथ कार्टोग्राफर क्या करता है, कार्टोग्राफर क्या प्रिपेयर करता है, मैप्स, क्या करता है, मैप्स, करेक्ट आंसर इज मैप्स. क्लियर, चलिए सी इज द राइट आंसर. भाई कंप्यूटर के भी, टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो क्या है, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब. WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसपे हमारी जितनी भी वेबसाइट्स है सारी इस पे होस्ट होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे. ग्रुप ऑफ इंटरनेट है, ग्रुप ऑफ इंटरनेट, सारे इंटरनेट जो है कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वेब है एक प्रकार का इंटरनेट का. डिज द राइट आंसर. परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, एनरोलमेंट चल रहे हैं, लिमिटेड सीट्स है, 25 के बाद एनरोलमेंट नहीं होगा. और ये भाई लाइव क्लास है परमवीर में, परमवीर में आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर तो समझिए कि भाई ये भी एक अचूक हथियार है, ये सिलेक्शन करा के इसमें आप रहेगा आपका, अगर आपने परमवीर को ज्वाइन किया. आज का मैं बर्निंग क्वेश्चन देता हूँ, बर्निंग क्वेश्चन आज यू नो मेरा ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है. बर्निंग क्वेश्चन क्या है भाई, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ केरला. तो करंट का भी है, स्टैटिक का भी है, क्योंकि गवर्नर भी आ रहे हैं, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है. तो आपको कुछ गवर्नर्स याद होने चाहिए और चीफ मिनिस्टर याद होने चाहिए. तो ये केरला के जो प्रेजेंट गवर्नर है कौन है, हाँ, पिनराई विजयन तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ये तो मैं बता देता हूँ, पिनराई विजयन है. तो आपको बताना है यहाँ के गवर्नर कौन है. क्लियर, केरला के, केरला इंपॉर्टेंट भाई, साउदर्न स्टेट है इंडिया का, तो आपको इसका बताना है गवर्नर. बर्निंग क्वेश्चन देखते कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं. साथ में वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए. संकल्प आपको एक तो मिलेगा, करंट अफेयर वीडियोज आती है हमारी,
आगाज सीरीज नवोदय के लिए और सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कब रिजल्ट आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर वे में मिलती है। इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है। सो स्टूडेंट तैयारी करते रहिए, अच्छे से लगातार तैयारी करनी है। बीच में भी ऐसा नहीं कि एक दिन वीडियो देख ली फिर नहीं देखनी, रोज वीडियो को देखना, टाइम से देखना है, तभी आपकी एक तैयारी सटीक होगी। सो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, थैंक्स।